न्यूकोस्कोपिन लिंटस जो कि बनाया जाता है बायोलॉजिकल ई प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। इसका MRP 93.50 रुपीज़ रहता है और ये 100 ml का एक बोतल रहता है। इसके अंदर कंटेंट की बात करें तो अमोनियम क्लोराइड 28 mg एंड 5 ml रहता है, नेस्कोपिन 7 mg एंड 5 ml रहता है और सोडियम सीट्रेट 3.25 mg एंड 5 ml रहता है। ये सिरप जो कि यूज़ होता है कप का ट्रीटमेंट करने के लिए, वो भी ड्राई कप का ये ट्रीटमेंट करता है। तो इस वीडियो में मैं इसका यूजर्स, बेनिफिट, साइड इफेक्ट, कैसे यूज होता है ड्रग, कैसे काम करता है, सेफ्टी एडवाइस क्या रखने का है, डोज मिस हो जाए तो कैसे लेने का है और इसका सब्स्टिट्यूट कौन कौन सा अवेलेबल है, तो वो सब बातें इस वीडियो में मैं शेयर करूँगा ताकि आपको न्यूकोस्पिन कप लिंटस के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है, मेडिकल स्टूडेंट और हेल्थ केयर स्टूडेंट के एजुकेशन पर्पस के लिए। तो कोई भी मेडिसिन से कोई भी दवाई लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के बाद। न्यूकोस्पिन ओरल सिरप जो कि एक लिंटस सिरप है जिसके बनाया गया है बायोलॉजिकल ई प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। इसके अंदर कंटेंट की बात को तो अमोनियम क्लोराइड 28 mg एंड 5 ml रहता है, नेस्कैपिन 7.5 mg एंड 5 ml रहता है और सोडियम सिट्रेट 3.25 mg एंड 5 ml रहता है। ये सिरप 100 ml की बोतल में आता है जो कि ड्राई कप का ट्रीटमेंट करता है और वाइंड पेप को, नोज़ का वाइंड पेप को खोलता है और सांस लेने में वगैरह प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसको अगर आप ज़्यादा ले रहे हो, डॉक्टर की सलाह से नहीं ले रहे हो, कंटिन्यूसली ले रहे हो, तो कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है जैसे कि नोजिया, वॉमिटिंग, भूख का कम लगना, मसल स्पैम्स होना, चेस्ट में पेन होना, ये सब कॉमन साइड इफेक्ट है जो कि आपको हो सकता है। तो जब भी सिरप को ले तो डॉक्टर की सलाह से ले, डॉक्टर जितना डोजो ड्यूरेशन बोले उतना ले, तोड़ के वगैरह नहीं ले, फिक्स टाइम और फिक्स डोज रखे ताकि बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो ये न्यूकोस्पिन लिंटस सिरप काम कैसे करता, तो उसके मैकेनिज्म की बात करो तो इसके अंदर 3 दवाई डाली गई है, अमोनियम क्लोराइड, नेस्कैपिन एंड सोडियम सिट्रेट डाला गया है जो कि ड्राई कप से रिलीफ देता है। अमोनियम क्लोराइड एक एक्सपेक्टोरेंट है जो कि स्टिकीनेस को कम कर देता है और उस एयरवेज को खोल देता है, और नेस्कैपिन एक कप सप्रेसेंट है जो कि कप को रिड्यूस कर देता है सेंट्रल ब्रेन से, और सोडियम सिट्रेट एक म्यूकोलाइटिक है जो कि म्यूकस को लूज करता है जिससे ईजिली म्यूकस बाहर निकल जाता है। तो ऐसे काम करता है ये सिरप। तो सिरप के बारे में अगर आपको कुछ भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज जो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है वहाँ पे पूछ सकते हो। चैनल पे और वीडियो पे पहली बार आप विजिट किए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसको दबाएं ताकि जब भी वीडियो अपलोड करो तो आप तक एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें ना।